नमस्कार दोस्तों, इस हेल्थ अपडेट में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फेफड़ों की समस्या अगर आपकी बढ़ रही है तो आपको जल्द से जल्द इलाज करवा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो सीधे आपके फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। आपको ये लक्षण जानने बेहद जरूरी है जो कि आपके फेफड़ों को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको सांस लेते समय अपने सीने में हल्का या फिर तीखा दर्द महसूस हो रहा है? क्या सूखी खांसी हो रही है या खांसते समय सीने में दर्द महसूस होता है? क्या सीने के निचले हिस्से में दर्द या फिर फेफड़ों में सूजन महसूस हो रही है? अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत इलाज करवा देना चाहिए। अगर ये लक्षण है तो आपके फेफड़े संक्रमित होने शुरू हो चुके हैं। खतरे की बात तो यह है कि अधिकतर मामलों में लक्षण सामने आने तक 20-25% तक फेफड़े संक्रमित हो चुके होते हैं। दरअसल कोरोना वायरस का नया रूप सीधे फेफड़ों को संक्रमित करने लगा है, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर मरीज की उम्र ज्यादा है और उसे हृदय रोग, कैंसर या फिर डायबिटीज है तो ये लक्षण गंभीर अवस्था में मिल रहे हैं। वायरस का नया रूप हमारे शरीर के श्वसन मार्ग में तेजी से फैलता है। 80% में ये लक्षण हल्के या मध्यम श्रेणी के होते हैं। सामान्य संक्रमण निमोनिया और फेफड़ों के गहन संक्रमण में बदल जाता है, जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ये संकेत है कि फेफड़े कोरोना से लड़ रहे हैं। एक हिस्से में हुआ संक्रमण धीरे धीरे और मरीज अगर कमजोर हुआ तो उसके फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। संक्रमण से मरीज को निमोनिया, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत, फेफड़ों का कोलैप्स कर जाना और कुछ मामलों में इसमें मौत तक हो जाती है। निमोनिया के दौरान फेफड़ों में पानी भरने लगता है, उससे आई सूजन सांस लेने में दिक्कत करती है और तेज खांसी इसकी वजह बनती है। ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है और मरीज को ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। एक राहत की बात तो यह है कि इस निमोनिया से अधिकतर मरीज ठीक हो रहे हैं, उनके फेफड़ों पर लंबे समय के लिए नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत लंबे समय तक बनी रह सकती है। आपको फेफड़े मजबूत कैसे बनाने, ये बात जानना जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति रोजाना 30-60 मिनट तक ऐसे शारीरिक व्यायाम करें जिसमें कि उसे हांफना पड़े। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे फेफड़ों की कार्य प्रणाली बेहतर होगी, वे ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर को पहुंचाते हैं। इन व्यायाम में दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी करना प्रमुख है। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें जिससे फेफड़े खुलते हैं और उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है। इससे भी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। फेफड़ों की सेहत सुधारने के लिए केले, सेब, टमाटर, अंगूर आदि का सेवन करें, जिसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो फेफड़ों पर संक्रमण हो रहा है, लेकिन ये जो छोटे से उपाय आपको बताए गए हैं इनको आप जरूर कीजिएगा। आपके फेफड़े फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और आप इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। ये जानकारी अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक जरूर शेयर करें। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।